डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच में जुटी प्रवर्तन निदेशालय की टीम, नोटों का एक और जखीरा बरामद हुआ है। नए खजाने से ईडी ने 28 करोड़ 90 लाख रुपए और लगभग 5 किलो सोना जब्त किया है। पहले टॉलीगंज और अब बेलघरिया। यह अर्पिता मुखर्जी का दूसरा फ्लैट है जहां से गुलाबी नोटों का अंबार बरामद हुआ है। नोटों को प्लास्टिक की थैली में भरकर रखा गया था। बता दें कि इस कैश को गिनने के लिए कई मशीनों को मंगवाया गया। यहां से ईडी को 28 करोड़ 90 लाख रुपए कैश मिला था और लगभग 5 किलो गोल्ड भी बरामद हुआ, जिसके बाद ईडी के अफसरों ने बैंक के अधिकारियों को फ्लैट पर बुलाया। नोटों का जखीरा इतना बड़ा था कि इसके लिए नोट गिनने की 5 मशीनें मंगाई गई। मिली जानकारी के मुताबिक मुखर्जी ने ही ईडी को कोलकाता के आसपास की अपनी संपत्ति की जानकारी दी है। ईडी को अर्पिता के एक और फ्लैट से बेशुमार कैश भी मिला। अर्पिता मुखर्जी के नाम पर ऐसे दो फ्लैट हैं। इसमें एक है ब्लॉक 5 और रहस्य लोग से मिले नए खजाने का नया पता बेलघरिया के रथाला इलाके के ब्लॉक नंबर 5 का है। पश्चिम बंगाल शिक्षक घोटाले के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी ईडी कस्टडी में है। उन्हें मंत्री पद से भी हटा दिया गया। इस घोटाले के उजागर होने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज उन्हें मंत्री पद से भी हटा दिया। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी ने ममता को कटघरे में लाकर खड़ा किया है। वहीं बीजेपी नेता दिलीप घोष का दावा है कि शिक्षक घोटाला 40 से 50 करोड़ का नहीं बल्कि 1000 करोड़ से ज्यादा का है। इस बीच ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है, महाराष्ट्र पर कब्जा किया है, अब छत्तीसगढ़ और झारखंड में कोशिश चल रही है, लेकिन बंगाल में उन्हें बंगाली हरा देंगे। बंगाल को तोड़ना आसान नहीं है क्योंकि यहां आपको पहले रॉयल बंगाल टाइगर से लड़ना होगा। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी को लेकर ममता सरकार को घेरा है। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। बनी रहेगी हमारी हर खबर पर नजर। देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।